एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब, और स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आपको लेके आई हूँ खरड़ के अंदर, प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ। 105 गज का हाउस है ये, 3 बेडरूम बना है, 2 बेडरूम नीचे है और 1 बेडरूम आपका ऊपर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस घर को लेने के, 2 बेनिफिट आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो प्लस पॉइंट है, एक बेनिफिट ये है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है अगर आपको यहाँ पे खुद रहना है तो काफ़ी पीसफुल एरिया है यहाँ पे रहने के लिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर गेटेड सोसाइटी मिल रही है, एमसी अप्रूव है। इस घर का नक्शा जो है 3 BHK वो पास है, मतलब 1.5 स्टोरी पास है। बाकी अगर आपने ऊपर करवाना हो तो वो भी हो जाएगा। घर काफ़ी खूबसूरत बना है गाइस, अल्टीमेट बना है, आपको अंदर देख के बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। आप देखते रहिए एंड तक मेरी वीडियो को गाइज। इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और एक प्लस पॉइंट आपको और बता देती हूँ इस घर को परचेज करने का। अभी आपको जैसे आइडिया है कि अभी खरड़ में G+2 अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो जो हमारे हाई राइज टावर है उनकी रजिस्ट्री अभी हो रही है। उसी रेट में आपको 3 BHK फ्लैट के रेट में आपको ये 3 BHK हाउस मिल रहा है विद जमीन। तो आपको पता ही है बेनिफिट किस में है, जमीन लेने में या फिर आपका जड़ समेत घर लेने में या फिर आपका फ्लैट लेने में। तो ये मेन डोर आपने देख लिया है, इसी के साथ ही ये देखिए हमारा खूबसूरत सा लिविंग एरिया जो काफी स्पेशियस है गाइस। LCD पैनल आपको यहाँ बीच में मिल रहा है और ये आपका रहता है वॉलपेपर, हाईलाइट करा हुआ है। और इसी के साथ ही इस साइड को देखिए तो ये आपका आ जाता है लिविंग एरिया। और कॉर्नर विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है, इसी के साथ ही ऊपर को आपको रहेगी डाउन सीलिंग, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही हमने क्या करा है, जैसे आपके गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो आप चाहते हैं कि रूम की अपनी प्राइवेसी रहे, और जो लिविंग एरिया में अगर कोई गेस्ट या फिर आप लोग स्टे करते हैं उनकी अपनी प्राइवेसी रहे, तो हमने यहाँ पे क्या है आपको एक वॉशरूम दे रखा है हॉल के साथ अटैच। तो ये था हमारा लिविंग एरिया जो काफ़ी स्पेशियस है। और इसी के साथ ही हमारा अगर देखें तो यहाँ पर आ जाता है किचन एरिया, जो मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पर मिल रहा है। प्रॉपर आपके कबर्ड्स यहाँ पे बने हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही इस सेट को देखिए तो ये आपके रहेंगे चिमनी के लिए स्पेस और वेंटिलेशन के लिए विंडो, क्योंकि आपको पता है हर घर में ज़रूरी होती है गाइस वेंटिलेशन। ये आपके डबल सिंक आ जाते हैं, गीजर के लिए प्रोविजन, डाउन सीलिंग, और फ्रिज के लिए भी हमने आपको यहाँ पे स्पेस दे रखा है, इजिली आप यहाँ पे अपना फ्रिज लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है 2 बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम ये वाला है, सेकेंड बेडरूम ये वाला है। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और 10x13 का इसका साइज रहेगा। वॉलपेपर देख सकते हैं इस बेडरूम में। कबर्ड्स अभी नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से वुडन वर्क कर सकते हैं। और इस सेट को देखिए तो यहाँ पे आ जाती है आपकी डाउन सीलिंग, एसी के लिए प्रोविजन। और इस सेट को देखिए तो ये आ जाता है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, कूलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं और विंडो एसी के लिए भी प्रोविजन है। और ये आपका जाता है जाली वाला दरवाज़ा। और यहाँ पे देखिए तो ये आ जाती है आपकी वॉशिंग एरिया के लिए प्रोविजन, यहाँ पे मशीन लगा सकते हैं, टैप्स बाहर दे रखे हैं और स्विचेस भी आपको यहाँ पे बाहर दे रखे हैं। यह आ जाता है आपका दोनों बेडरूम के साथ कॉमन वॉशरूम। तो फर्स्ट बेडरूम आपने देख लिया है, वॉशरूम आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको सेकेंड बेडरूम दिखाती हूँ। सेम एज इट इज इसी तरह से दे रहे हैं जो एसेसरीज आप देख रहे हैं। तो गाइस हमने अभी वॉशरूम से ही एंटर कर दिया अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। जैसे आपको पता था कि फर्स्ट बेडरूम में कबर्ड्स नहीं है, सेकेंड बेडरूम में हमारे ये वाले कबर्ड्स रहते हैं, ये देख सकते हैं। ड्रेसिंग एरिया आपको दे रखे हैं। और इसे को आए तो यहाँ पे वॉलपेपर और ऊपर की तरफ को थोड़ा डिफरेंट डिजाइन के साथ हमने यहाँ पे डाउन सीलिंग करी है। तो वेंटिलेशन आपको दोनों बेडरूम के साथ है। और तो ये था हमारा 2 BHK ग्राउंड फ्लोर में। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर आपको खुद भी यहाँ पे रहना है जैसे मैंने आपको बताया था, तो ग्राउंड फ्लोर में आप खुद शिफ्ट हो सकते हैं और ऊपर वाला फ्लोर आप रेंट पे दे सकते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारी स्टेयर जाती है, ये हमारे MCB के बॉक्स आते हैं जहाँ से पूरे घर की लाइट्स कंट्रोल होती है। और गाइज एक बेनिफिट आपको और बता देती हूँ, जैसे कोई मेरे दोस्त या भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या हिमाचल से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं या कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर कभी भी घर परचेज करना हो अपना खरड़ के अंदर, तो आपको प्रॉपर्टीज़ के आइडिया हो जाता है कि प्रॉपर्टीज़ का खरड़ में क्या रेट चल रहा है और हम आपके लिए कितनी सस्ती प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं और कितनी महंगी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। और बाकी
हमारे चैनल में आपको पता ही है जैसे डेली डेली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कंटिन्यू है जैसे आपको पता है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि आप करिए। अब जैसे आपको अगर जम्मू से आना है, आप चाहते हैं कि आप विंटर हॉलीडेज़ आप चंडीगढ़ में अपने फैमिली के साथ मनाएं, तो नीचे वाला फ्लोर आप खुद वहाँ पे रह सकते हो, ऊपर वाला फ्लोर आप रेंट पे दे सकते हो। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो ऊपर वाले फ्लोर में आप खुद रह लो, नीचे वाला फ्लोर आप रेंट पे दे दो। तो अगर इस कोठी पूरी आपने रेंट पे देनी है, इसका जो रेंट आता है गाइस 30,000 पर मंथ, 2 BHK का अगर सारा सामान आप लगाते हैं तो 20,000। और ये वन रूम सेट अभी यहाँ पे जो है, आज की डेट की बात कर रही हूँ मैं, ये यहाँ पे चढ़ रहे अभी 8,000-10,000 के अगर सामान आपने सारा लगा रखा है। और यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया था मैप अप्रूव्ड है 1.5 का, और ये वाला जो पीछे का एरिया है यहाँ पे आप अपना जो है 2 बेडरूम प्लस अटैच वॉशरूम आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर ऊपर को देखें तो यहाँ पे हमने टंकी के लिए बीच में आपको प्रोविज़न दिया है। पूरा एरिया ये बस चुका है, ये देख सकते हैं फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही है। तो पार्क दिखाने की कोशिश भी करती हूँ मैं आपको, अगर आपको दिखेगा ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे जो है पार्क है, और यहाँ पे बच्चों का स्कूल भी आपको नियर बाय मिल रहा है वॉकिंग डिस्टेंस पे, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ से बिल्कुल ही आपका 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। और इसके अलावा आप हमारी साइट विज़िट करें, और अब इसका प्राइस भी मैं रिवील कर लेती हूँ क्योंकि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा, तो आप सोच रहे होगे कि प्राइस कब बताएंगे, तो मैं बता देती हूँ। इसका जो प्राइस है गाइज वो रहेगा आपका 63 लाख, वो नेगोशिएबल है, आप आके ऑन टेबल बैठ के अपनी कोठी फाइनल कर सकते हैं। और बाकी जो रेट है वो हमारे, आपको पता ही है कि आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम आपको कोठी देंगे और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको देंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे ऐसे ही आप रेगुलर बनते रहिए ताकि हम आपके लिए आपके बजट के घर लेके आए मोहाली के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।